नमस्कार, अचर न्यूज के ऑटो सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी की, और कौन है भारत की वो टॉप सेफ कार्स जिन्हें मिली है ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग। और हम भारतीयों का सीना गर्व से फूल कर चौड़ा हो जाना है, क्योंकि टॉप 5 स्टार रेटिंग कार में ज्यादातर कारें भारतीय कार निर्माताओं की ही हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं ऑटो इंडस्ट्री के और भी धांसू वीडियो। एक समय था जब भारत में लोग कार्स की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे, और यही वजह थी कि बाजार में अनसेफ कारों का सिर्फ माइलेज की वजह से बोलबाला था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, लोग अपने परिवार की सेफ्टी को लेकर भी चिंतित हुए, और इंजन रिफाइन होने से सेफ कारों की माइलेज भी ठीक हुई। लेकिन फिर भी काफी कम कारें ही अभी ऐसी हैं जिन्हें ग्लोबल एनकैप में सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो कौन है वो 5 स्टार रेटिंग कारें, आज हम आपको बताने वाले अपने इसी वीडियो में। नंबर 4, टाटा अल्ट्रोज। भारत की प्रीमियम हैचबैक कारों में टाटा अल्ट्रोज भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक है, जिसे ग्लोबल एनकैप की तरफ से 5 स्टार रेटिंग से नवाजा गया है। टाटा अल्ट्रोज को एडल्ट सेफ्टी प्रोटेक्शन में 5 स्टार और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 3 स्टार मिले हैं। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में अल्ट्रोज को 17 पॉइंट्स में से 16.13 पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। अल्ट्रोज का बॉडी शेल क्रैश टेस्ट में काफी स्टेबल पाया गया था। नंबर 3, महिंद्रा XUV 300। XUV 300 महिंद्रा की पहली गाड़ी है जो ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग हासिल करने में कामयाब हुई है। XUV 300 को एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में ग्लोबल एनकैप की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली है, जबकि चाइल्ड सेफ्टी में इसे 4 स्टार रेटिंग मिली है। महिंद्रा का दावा है कि वो XUV 300 में हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा XUV 300 में 7 एयरबैग, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स और फ्रंट एवं रियर पार्किंग सेंसर भी आते हैं, जो बनाते हैं इसे अपने सेगमेंट की सबसे खास गाड़ी भी। नंबर 2, टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन सेफ्टी में बहुत से मायनों में खास है। पहला तो ये कि नेक्सॉन भारत में बनी वो पहली गाड़ी थी जो ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग लेने में कामयाब हुई थी, और दूसरा ये कि नेक्सॉन ने बाकी कार निर्माताओं को भी प्रेरित किया कि वो सेफ्टी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दे। टाटा नेक्सॉन की 5 स्टार रेटिंग ही वजह थी जिसने टाटा को कार सेगमेंट में एक बार फिर से बाजार में वापस ला खड़ा किया था। एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में नेक्सॉन को 5 स्टार रेटिंग मिली थी, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेफ्टी में नेक्सॉन ने 3 स्टार लिए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, पिछले साल 2020 में टाटा नेक्सॉन टाटा की टॉप सेलिंग गाड़ी भी थी। टाटा ने 2020 में कोविड के दौरान भी 48,842 नेक्सॉन बेची थी। और नंबर 1 पर सेफ्टी रेटिंग में जो कार है, वो कार अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, और लॉन्च होते ही उसने कार बाजार में खलबली मचानी शुरू कर दी है। नंबर 1 पर भारत की सबसे सेफ गाड़ी का खिताब मिला है एक बार फिर टाटा मोटर्स को, और भारत की सबसे सेफ गाड़ी है टाटा पंच। टाटा पंच ने मार्केट में क्या एंट्री मारी है, एकदम पंच मार दिया है। ये गाड़ी बहुत से मायनों में खास है, और अंदाजा अभी से लगाया जा रहा है कि ये गाड़ी टाटा को मार्केट में जल्द ही टॉप 3 पोजीशंस में लाने वाली है। वैसे आपके फायदे की एक बात और बता दें कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो टाटा मोटर्स इस समय एक बेहद अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ना सिर्फ टाटा की गैसोलीन पावर गाड़ियां बेहद उछाल पर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी टाटा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। खैर, बात करें अगर पंच की, तो पंच को एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार मिले हैं। टाटा पंच का एक क्रैश टेस्ट अभी स्टैंडर्ड वेरिएंट में 2 एयरबैग के साथ था, और उसी में गाड़ी ने धांसू परफॉर्मेंस दी है। टाटा पंच ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी में भी भयंकर पाई गई है, यानी कि टाटा पंच सिर्फ एक गाड़ी नहीं है बल्कि एक जबरदस्त पैकेज है। वैसे एक मिड बजट में इतनी बिंदास गाड़ी निकालने पर टाटा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। क्यों, टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में क्या टॉप पोजीशन पर पहुंच सकती है, और क्या मारुति सुजुकी को भी अब बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।